राजक राजन सिंह की बेटी ने अपने 5 साथियों के साथ टोल प्लाजा पर चाकूबाजी कर हंगामा मचाया। स्विफ्ट कार से भगवा से छतरपुर जा रहे थे 6 लोग। टोल प्लाजा वाले ने पैसे मांगे तो पुलिसकर्मियों की लड़की ने 2 कर्मचारियों को चाकू मारकर घायल कर दिया। छतरपुर सागर नेशनल हाईवे का ये मामला बताया जा रहा है। NHI का टोल टैक्स नाका है। CCTV कैमरे में पूरी मारपीट की घटना कैद हो गई है। गुलगंज थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। पुलिस ने 2 लड़कियों सहित 5 आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। दिवाली के दिन भजन सेना के युवाओं ने छतरपुर की सड़कों के गड्ढों में दीप प्रज्वलित कर दिवाली मनाई और संकल्प लिया कि जब तक सड़क नहीं सुधरेगी तब तक अनशन पर बैठे रहेंगे। जहां सभी घरों में दिए जलेंगे, सभी लोग अपने परिवारों के साथ दिवाली मना रहे हैं। वहीं भजन सेना द्वारा छतरपुर की जनता के हक में अपने त्यौहार को निछावर किए हुए हैं। डाकखाने चौराहे में अनशन पर बैठे युवाओं पर शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। युवाओं का कहना है कि मांगों को पूरा नहीं किया गया तो मध्य प्रदेश सरकार को आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। छास की ओरछा रोड के सतार नदी के पुल पर एक तेज रफ्तार टैक्सी और कार की टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। कार में 6 माह के मासूम समेत 4 लोग बैठे थे। पानी में गिरी कार में सवार पिता ने अपने 6 माह के बेटे को बचाने के लिए डूबती कार से निकलकर किनारे की ओर फेंका, लेकिन बच्चा पुल पर न जाकर नदी में गिर गया। नदी किनारे खड़े एक युवक ने नदी में कूदकर बच्चे की जान बचा ली। वहीं ऑटो चालक मौके से फरार हो गया। आशीष शुक्ला निवासी ग्राम धीरपुर जिला शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। रामलखन शुक्ला रामलाल शुक्ला दिनांक 27 अक्टूबर 2019 को सुबह 9:30 बजे घर से ग्राम मथाना में गेरू लेने को कहकर गए थे। उनका छोटा भाई सचिन शुक्ला उनके साथ था। वो ग्राम मथाना से गेरू लेकर चला आया। रामलखन शुक्ला वहीं पर ब्रजेश पुत्र वीरेंद्र सिंह की दुकान पर रुक गए। ब्रजेश से रामलखन शुक्ला का लेन देन का विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर रामलखन शुक्ला से ब्रजेश की कहासुनी हो गई। तभी ब्रजेश सिंह और अवधेश सिंह पुत्रगण वीरेंद्र सिंह अर्जुन और धर्मवीर पुत्रगण अवधेश और राहुल उजागर सिंह पुत्रगण ब्रजेश सिंह वह सरकथु पुत्र धूमपाल सिंह और रवि सिंह पुत्र छोटे सिंह हाथों में लाठी डंडे लेकर आए और रामलखन को लाठी डंडों से पीटने लगे। विनय शुक्ला पुत्र रामलाल शुक्ला को पता चला तो बचाने गए। तभी उक्त लोग विनय शुक्ला को भी लाठी डंडों से मारने लगे। बाद में ब्रजेश और अवधेश ने फायर करना शुरू कर दिया। धर्मवीर ने तमंजे से फायर किया जिससे रामलखन शुक्ला विनय शुक्ला बाल बाल बच गए। रामलखन शुक्ला की मारपीट में मौके पर ही मौत हो गई और विनय शुक्ला के शरीर में गंभीर चोटें आई हैं। किस टाइम की बात है भाई साहब? 9:30 बजे करीब। दिन में या रात में? सुबह दिन में। हाँ जी, जब हम लोग गए तो उन्होंने मेरे को फायर शुरू कर दिया। फायर कहाँ से किया था? तमंचों से और एक नालू बंदूक। लाइसेंस ही बंदूक थी? नहीं, सब चोरी की। चोरी विनय के कांता मारा है फिर में और फावड़ा मारा। पिता का नाम छोटे सिंह। इससे पुरानी कोई आपकी इनसे रंजिश थी क्या? नहीं, कोई रंजिश नहीं थी। नहीं, केवल पैसों पे लेन देन पे ये मारपीट हुई है। हाँ जी। कौन गांव है? धीरपुर मथाना। मथाने में लड़ाई हुई थी। मथाना आपकी गांव से कितनी दूरी पे? 1.5 किलोमीटर। ये जो जिनकी मृत्यु हुई है इनका क्या नाम था? रामलखन शुक्ला जी। और जिनके चोट गंभीर है आई है हॉस्पिटल में? विनय शुक्ला है। तो इसकी कोई आपने पहले से मतलब बहाने दी सूचना? नहीं, 100% पर। सर जी, विनय कुमार शुक्ला जी जो यहाँ पे एडमिट हुए हैं, एक भाई इनका खत्म हो चुका है झगड़े का जो कोई किया था, तो इनकी हालत कैसी है? हमारे पास अभी मेडिकल के लिए मदनापुर से एक पेशेंट लाया था जी। उसका मेडिकल करके हमने भर्ती कर लिया जी। जी, सीरियस है मतलब या गंभीर है? इलाज किया जा रहा है। ठीक।